हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल कंपैरिजन। पहले आप यह देखिए, यह है अनुष्का सेन की 10 साल पुरानी फोटो और यह है अब की तस्वीर। सिर्फ 10 सालों में इतना चेंज कैसे, दंग रह गए ना। पर ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अब आप यह देखिए, क्या आप पहचान पाए? जी हाँ, यह वही यह रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की सबकी फेवरेट नायरा है। लेकिन जैसे एक्टिंग अब यह करती है और जितनी ब्यूटीफुल अब ये दिखती हैं, क्या यह अपने फर्स्ट ऑडिशन में भी उतनी ही खूबसूरती के साथ उतनी ही अच्छी एक्टिंग कर पाती थी या नहीं, यह सब जानेंगे। उसके लिए आज का यह वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो टाइटल, टीवी के फेमस एक्टर और एक्ट्रेस का फर्स्ट ऑडिशन। नंबर 5, धीरज धूपर। अब तक टीवी को काफी एक से एक सुपरहिट टीवी शोज दे चुके टीवी अभिनेता एक्टर धीरज धूपर, जो कि कुंडली भाग्य से तो खूब पॉपुलरिटी, अमीरी, प्यार और पैसा हासिल कर अब एक और टीवी शो शेर दिल शेर गिल में नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको जितने यह अभी हैंडसम नजर आते हैं, क्या यह पहले भी उतना ही थे? इनके करियर को बूस्ट देने वाला इनका फर्स्ट ऑडिशन देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पहले ये अब से बिल्कुल अलग थे। और इनकी एक्टिंग कैसी है, चलिए देखते हैं। इस शादी के बॉन्ड पर साइन करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें मैं पहले से ही क्लियर कर देना चाहूंगा। मेरी पहली शर्त यह है कि शादी के बाद मुझसे बार बार ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही। नंबर 4, शिवांगी जोशी। आज टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस के साथ साथ पॉपुलरिटी और खूबसूरती में अपना जलवा बिखेर रही 24 साल की यंग एक्ट्रेस शिवांगी जोशी, जो कि टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपना जलवा दिखा चुकी हैं, साथ ही में रियलिटी शोज और कई म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी हैं। लेकिन इनकी जबरदस्त एक्टिंग के जहां लाखों दर्शक दीवाने हैं, क्या यह अपने करियर की शुरुआत में अपने फर्स्ट ऑडिशन में भी ऐसी एक्टिंग कर पाती थी, वह आप खुद ही देख लीजिए। एक्शन। आपको मीरा और नमन का रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं था, और वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको नमन पसंद नहीं था, वो इसलिए क्योंकि आप अपनी बेटी को कभी दुख और तकलीफ में देखना नहीं चाहते। इसीलिए ने कई बार हमें अलग करने की कोशिश की, और आज भी आप यहाँ अपनी बेटी के साथ लाज करने नहीं बल्कि उसे नमन की औकात दिखाने आए। तो कैसा लगा आपको शिवांगी जोशी का फर्स्ट ऑडिशन, जिसमें इनका लुक भी काफी अलग है? आपको पसंद आया या नहीं, कमेंट में बताएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ऐश्वर्या शर्मा। गुम है किसी के प्यार में सीरियल के पाखी यानी ऐश्वर्या शर्मा, जिनके सोशल मीडिया पर आपने फनी रील्स और वीडियोस जरूर देखे होंगे और इनकी जबरदस्त एक्टिंग भी सीरियल में देख रहे होंगे। लेकिन इस अभिनेत्री ने अपने पहले ऑडिशन में ही काफी कमाल की एक्टिंग की है, आप खुद ही देख लीजिए। तो क्या कर रहे हो? ओके, तो मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगा था तुम बोल दोगे, बट तुमने बोला नहीं तो नहीं बोल देती हूँ। नंबर 2, अनुष्का सेन। सोशल मीडिया की क्वीन और सबसे पॉपुलर यंग और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, जो कि सिर्फ 8 साल की छोटी उम्र से ही टीवी में अपना जलवा पिछले 15 सालों से बिखेरती चल रही हैं। इन्हें बालवीर सीरियल में 10 साल की मेहर के किरदार को निभाकर इतनी पॉपुलरिटी मिली, जिसे लोग आज भी याद रखते हैं। इस जबरदस्त अभिनेत्री का फर्स्ट ऑडिशन भी चलिए देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने कैसी एक्टिंग की है वह भी जानते हैं। जो तुम मुझे यहाँ से भेज रही हो, और हाँ, चाहे कितना कुछ लगा लो अपने चेहरे पर, तुम तब भी बेवकूफी रहोगी क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग जो नहीं है। नंबर 1, कांची सिंह। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा की बहन गायू, जिन्हें टीवी की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से एक कहा जाता है, और इनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है। लेकिन इनका फर्स्ट ऑडिशन लुक कैसा था, चलिए देखते हैं। बाबा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत मान होता था मुझे आप पर, और आज जिस तरीके से आपने मामी की तारीफ की है ना, वो सुनने के बाद तो बहुत फक्र करने लगी हूँ मैं आप। सो गाइस, यह सब टीवी स्टार्स अपनी अपनी एक्टिंग में काफ़ी अच्छे हैं और अपने टैलेंट मेहनत से आज काफ़ी पॉपुलरिटी पाकर दर्शकों को एंटरटेन करते हैं। इनका फर्स्ट ऑडिशन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।